नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। शहर की यातायात व्यवस्था अक्सर ही बीच बीच में पटरी से उतर जाती है, जिसके लिए जमीनी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक को पसीना बहाना पड़ता है। वही मंगलवार को कांग्रेसियों के कार्यक्रम के चलते गायत्री मंदिर से कोर्ट और शिल्पी प्लाजा जाने वाले मार्ग में घंटों जाम की स्थिति निर्मित रही। यहाँ पर घंटों एम्बुलेंस पुलिस वाहन जाम में फंसे रहे। आपको बता दें कि अक्सर गायत्री मंदिर रोड से लेकर के रसिया मोहल्ले तक जाम की स्थिति निर्मित होती है। यहां दिन में सैकड़ों बार जाम की स्थिति निर्मित होती है। जाम की वजह से मुख्य सड़क के किनारे खुले सर्विसिंग सेंटर और दुकानदारों के द्वारा दुकानों के सामने खड़े कराए गए वाहन भी बनते हैं। कोर्ट और पुलिस अधीक्षक से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक पहुंचने वाले लोग सड़क पर वाहन खड़ा कर कार्यालयों में चले जाते हैं, जिनके वाहन घंटों सड़कों पर खड़े रह जाते हैं। एक मुख्य वजह ये भी है कि जगह जगह पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहां पार्किंग शुल्क देने से बचने के लिए लोग अब इस मार्ग का उपयोग कर फोर व्हीलर वाहनों को खड़ा करने में कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं किस तरह से घंटों जद्दोजहद के बीच जाम की स्थिति निर्मित रही, वहीं अधिकारियों को भी पसीना बहाना पड़ा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।